वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। आप देख सकते हैं ये जो गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है उसका ये पेपर आप देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था। आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि जो भी आपका पेपर हुआ करे, चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037327878 इस पर आप तुरंत हमें व्हाट्सअप कर दिया करो उस पेपर की फोटो खींचकर, ताकि हम उस क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसको हम मैच कर सकें कि जो हमने क्वेश्चन दिया है वो बिल्कुल फंसा या नहीं। हम जो वादा आपसे करते हैं उस वादे पर हम खड़े उतरते हैं। आपको बताया 85% प्लस का जो हमने वादा किया था उससे प्लस ज्यादा आए हैं, समझ रहे हैं? मतलब कि जो हम कहते हैं वही पेपर में आता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आप जो हम भी क्वेश्चन दिया करें आप उस पर बस, समझ रहे हैं, भरोसा करके, बहुत ज्यादा विश्वास करके आपको वो याद करना है और वही पेपर में आएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है? कुछ फालतू इधर उधर की बातों में नहीं आना है किसी की, भाई कोई क्या कह रहा है तो आपको उसमें नहीं जाना, बस अपना ध्यान से पढ़ना है। यहां देखो सेक्शन नंबर ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको यहां बोला गया है, सिंपल तरीके से देख सकते हैं, दो नंबर का एक क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन यहां देखो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो बात की गई है वो हमें इन्होंने नहीं भेजा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को मैं चेक कर लेता हूं एक बार, शायद आगे पीछे दे रखे हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन में आए थे, पांच क्वेश्चन जो आपके 10 नंबर के, सॉरी 5 नंबर के थे, आधा आधा नंबर का क्वेश्चन था, पांच क्वेश्चन करने थे जो 2.5 नंबर के आपके क्वेश्चन थे, ठीक है? 2.5 नंबर के क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो मुझे अभी तक उस बच्चे ने भेजे नहीं है, मतलब कि सीधे क्वेश्चन से बात की गई है, कोई बात नहीं है, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, पूरा ध्यान से देख लीजिए। वो 2.5 नंबर का था, उस 2.5 नंबर को भूल जाइए, बस वो टारगेट रखना अपना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आपको देते हैं। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर के बने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहां उन्होंने करने का जो तरीका है, मतलब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं शॉर्ट के, 2-2 नंबर के हिसाब से आपके 10 नंबर के हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करना है। अब आप यहां देख लीजिए, यहां बोला गया है एंथ्रोपी की परिभाषा, पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख सकते हो एंथ्रोपी क्या होता है। या फिर आप वो क्वेश्चन ना करना चाहो तो ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम को याद कर सकते हैं, सेकंड नियम आपका सामने आ चुका है, सेकंड नियम पूरा फंसा है, आप देख सकते हो, पूरा 2 नंबर का फंसा है, आप देख सकते हो। उसके बाद में प्रवस्था, देखो प्रवस्था और घटक के बारे में मैंने दिया था पूरा क्वेश्चन। या फिर फिनोल जल तंत्र क्या होता है, ये प्रवस्था के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, 2 नंबर का आपका ये फंसा है, देख सकते हैं। जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन आए, देखो यहां आपका क्वेश्चन आ गया विशेष चालकता किसे कहते हैं, तलुता की चालकता के बारे में पूरा क्वेश्चन आपको देखो भाई फंसा है, तुलना करनी है आपको। या फिर आप ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन ना करना चाहते हो तो आप ये विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है आप इसको याद कर सकते हैं, 2 नंबर पूरा क्वेश्चन वही फंसे जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप देख लीजिए पूरा पेपर फंसा है वहीं से। उसके बाद में देखो बर्फ विलयन आपका क्वेश्चन आ गया पूरा, ये भी हमारे को 2 नंबर का पूरा दिया था। यदि आप ये उत्कर देखे उत्कर में इलेक्ट्रॉन भी आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के बारे में पूरा क्वेश्चन देखो 2 नंबर का फंसा है, मतलब कि एक एक जैसे हमने बताया था पूरा पेपर वैसे छपा है, आप देख सकते हो। यहां देखो बात की जाए उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या होता है, आप वीडियो को देख लेना जो मैंने आपको एक दिन पहले, एक से 2 दिन पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं वही बात कर रहा हूं, वही देता हूं, समझ रहे ना? और देखो यहां कह रहा है ये इंपोर्टेंट नहीं दिया था, लेकिन यहां देखो अधिशोषण और अपशोषण में अंतर, पूरा क्वेश्चन फंसा है 2 नंबर का, अधिशोषण और अपशोषण में अंतर, पूरा क्वेश्चन फंसा है। अब सेक्शन नंबर सी में पहुंच जाओ, सेक्शन 5 के 5 क्वेश्चन फंसे हैं, मतलब कि 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर के हो जाते हैं, कुछ भी बाहर नहीं गया है। अब यहां देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको लॉन्ग में, 3 क्वेश्चन करने हैं, सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन कर दीजिए आपका जो भी दिल करे, 4 नंबर का है, 12 नंबर के हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये जो पेपर था तुम्हारा पूरा वो बेटा 28 नंबर का था, मतलब 28 नंबर का पेपर था, ठीक है? अब यहां देखिए, यहां बोला गया है एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी के महत्व के बारे में और पीटी के फलन एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, यदि आप ये करना ना चाहें तो देखो ये आ गया गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है ना एनर्जी, पूरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो पूरा क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर का फंसा है, पूरा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। उसके बाद में देखो बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र क्या होता है, उसकी अवस्थाओं के बारे में मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था। वही देखो नर्वर्ट्स वितरण के नियम के बारे में पूरा क्वेश्चन दिया था, ये भी आपका पूरा 4 नंबर का फंस जाता है। देखो 2 क्वेश्चन फंस चुके हैं हमसे, केवल 4 क्वेश्चन कर, हमसे केवल 3 क्वेश्चन की बात की है, 2 क्वेश्चन फंस चुके हैं। अब यहां देखो ये लास्ट में क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिए, यह कह रहा है अभिगमांक की परिभाषा, इसके निर्धारण, और या आप ये ना करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और सेल जो विद्युत वाहक बल होता है उसके नर्वर्ट समीकरण के बारे में, पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का फंसा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, मैंने कहा ना ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल ये पूछता है ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए, ठीक है? वो भी हिपार्ट्स से पूरा क्वेश्चन फंसे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है जो हमने बताया। तो आप लगा सकते हो 12 नंबर वो हो गए और 10 नंबर वो हो गए, टोटल कितने हो गए आपके नंबर हो गए 22, ठीक है 22 नंबर हो गए, सॉरी 22 नंबर से ज्यादा होना चाहिए था, ये देखो 12 नंबर का तो ये हो गया और 12 नंबर का ये और आपका 10 नंबर का ये, ठीक है 22 नंबर हो गया। और यहाँ आप कुछ क्वेश्चन जो फंसे हैं क्योंकि 28 नंबर का टोटल पेपर है तो आप लगा सकते हो 2.5 नंबर का तो छूटा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब 10 नंबर और ये है हमारा 12 नंबर,
तो हमारे पास कौन सा छूटा है देख सकते हो, मतलब पूरा क्वेश्चन आया लेकिन कुछ ना कुछ इसमें क्लियर नहीं हुआ है। 22 नंबर क्यों, 28 नंबर कैसे हो जाते हैं, 2.5 नंबर का और होता तो 24.5 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें और थोड़ी कन्फ्यूजिंग हुई है, जो भी है मेरे हिसाब से वैसे तो क्लियर है क्योंकि यहाँ 22 नंबर हमारे क्लियर हो चुके हैं, 28 में से आप लगा सकते हो। और यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन एक आध दो कर देते जो हमने पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है, आप वो क्वेश्चन तैयार करके जाते तो लगा लो आप हिसाब से लगभग 24 नंबर के आपके आ जाते हैं 28 में से, ठीक है। तो 28 में से 24 आते हैं तो आपको भाग कर देना है 24/28 इंटू 100, ठीक है, मतलब कि 2400 से आपको क्या करना है बेटा, 2400 को आपको 2400 को भाग करना है 28 से, आपके सामने आ जाएगी आपकी परसेंटेज कितनी परसेंटेज आपकी फंसी है। तो 2400 भाग मैं कर देता हूं 28 से, आपकी पिछली 85.71 परसेंटेज फंसी है, आप देख सकते हो 85.71 परसेंट जो हमने कहा वही पेपर में आया है, 85% प्लस की जो हम गारंटी देते हैं उस पर हम खड़े उतरते हैं, आप देख सकते हो जो जो क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आए हैं। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।